उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री मत्स्य पालन संपदा योजना प्रगतिशील किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। किसान मछली पालन में अपने आय में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को गंडेर स्थित प्रगतिशील किसान संघर्षण शाही के मत्स्य पालन केंद्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मत्स्य पालन केंद्र के विषय में बारीकी से जानकारी प्राप्त की। केंद्र के संचालक संघर्षण शाही ने जिलाधिकारी को बताया कि उन्होंने 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मछली पालन के लिए तालाब बनाए हैं। इसमें रोहू, भाकुर, पेंसियश, नैनी, ब्लैक कार्प सहित विभिन्न प्रजाति की मछलियां की सीड फार्मिंग की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हुआ। कृषि विभाग की योजना से सोलर पंप एवं फार्म मशीनरी बैंक मिला। उन्होंने बताया कि जनपद में मछली की अच्छी खासी डिमांड है। वे प्रतिवर्ष 500 कुंतल से अधिक मछली प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करते हैं। आसपास के जनपदों से भी मछली के खरीदार आते हैं। प्रति हेक्टेयर 15 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। उन्होंने अपने फार्म की सुरक्षा के लिए झटका मशीन वाली बाड़बंदी के बाद सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम भी किया है। लगभग 20 श्रमिक उनके मत्स्य पालन केंद्र पर रोजगार भी पा रहे हैं। देवरिया में ये गड़ेर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की लाभार्थी हैं। एक शाही परिवार है और 2 हेक्टेयर में उन्होंने ये अपनी योजना करी है और उनका कहना है कि करीब 14 लाख रुपए इसकी लागत है और इससे कृषि और जो सहायक गतिविधियाँ हैं उसमें सर्वाधिक लाभ इस योजना में संभव है। सरकार की ओर से इसमें सब्सिडी भी करीब 30 से 40% है और उसके अलावा उन्होंने निजी पूंजी लगाई है। मत्स्य पालन में सबसे अच्छी बात जो ये है कि अगर मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ही वो बेचते हैं, जैसे अन्य किसी फसल की तुलना में कि फसल को काट कर इंतजार करना मुश्किल होता है। मत्स्य संपदा में ये कर सकते हैं कि जब मछली का मार्केट ठीक हो उस समय आप बेचें, अन्यथा अगर प्रतीक्षा भी करते हैं तो मछली का वजन ही बढ़ेगा। तो एक ये कृषि का जो सहायक गतिविधियों में मत्स्य पालन है उससे आय बढ़ सकती है। हम लोग का प्रयास होगा कि इस गणेर में हम लोग और गाइडेड टूर कराएँ किसानों के जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, और ताकि जो कृषि की आय दोगुना करने का लक्ष्य है उसमें इन गतिविधियों के माध्यम से इम्प्रूवमेंट हो सके। और मैं चाहूँगा कि जनपद में और कृषक भी इस गढ़ेर की परियोजना को देखें। इसी प्रकार से जो मत्स्य हमारा अभिकरण है, बहुत सारी योजनाओं में लोगों को लाभान्वित हम कर रहे हैं, सभी बेनिफिशरीज को भी एक बार हम यहाँ पे घुमाएंगे ताकि एक मोटिवेशन मिले और एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ सके।